यूथ हॉस्टल के लोकार्पण समारोह में लाडपुरा क्षेत्र की विधायिका श्रीमती कल्पना देवी जी, नेहरू युवा केंद्र, CPWD और हम सबके एथलेटिक कोच जो लगातार इन बच्चों के साथ मिलकर एथलेटिक के साथ खेल की अन्य गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, अजीज कोच साहब, आज ये खुशी है कि हम कोटा के यूथ हॉस्टल के प्रथम चरण का लोकार्पण कर रहे हैं। यूथ हॉस्टल के निर्माण की प्रक्रिया 2 दशक पहले, 20 साल पहले हमारे वर्तमान सांसद गिरिराज सिंह जी के प्रयासों से शुरू हुई थी और उन्होंने 1 करोड़ रुपए की लागत से इस यूथ हॉस्टल के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया था और जब यूथ हॉस्टल का उनका सपना देखा था तो देश के अन्य यूथ हॉस्टलों के सपनों की तरह था। जब मैंने यूथ हॉस्टल की प्रक्रियाओं को मालूम किया तो मुझे चला कि 20 साल से एक लंबे 20 साल के 20 दशक तक तो 20 दशक 20 साल तक इसकी निर्माण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। मैंने संबंधित विभाग के मंत्री अधिकारियों को बुलाकर बात की, मैंने कहा क्या वर्तमान परिस्थिति में 1 करोड़ के यूथ हॉस्टल के निर्माण से काम चल सकता है क्या? हमें अगर खिलाड़ियों को ठहरने की व्यवस्था करनी है, जो देश प्रदेश के नौजवान अलग अलग जगह से भ्रमण करने आते हैं, भारत की विविधताओं, संस्कृति, पर्यटन को देखना चाहते हैं, युवा भारत की संस्कृति, भारत के पर्यटन को जानने देखना चाहते हैं, कोटा हाड़ोती का एक लंबा इतिहास रहा है, एक लंबी विरासत रही है और इसलिए विरासत इतिहास को जानते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर हम पर्यटन से लेकर खेल तक की सुविधाओं का विस्तार करने का प्रयास करें और मुझे खुशी है कि खेल सुविधाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। और लेकिन एक सपना मेरा नौजवान जरूर देख रहा है, जब वो देखता है कि कहीं 100 करोड़ का, कहीं 200 करोड़ का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसके आंखों के सपनों को मैं समझता हूं, उनके विचारों को समझता हूं, उनकी भावनाओं को समझता हूं। अभी यहां पर निर्माण कार्य तो हुआ है लेकिन वक्त का इंतजार करो, राजस्थान में कोटा भी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में देश और दुनिया में जाए। अब हमारी निगाह अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की है जिसमें एक छत के नीचे सारे स्पोर्ट्स की गतिविधियां एक छत के नीचे मिले, जहां एक छत के नीचे लोगों को जो खिलाड़ी हैं प्रशिक्षण के लिए उनको एक छत के नीचे मिले। ये कुछ आधा सपना अभी बूंदी में पूरा हुआ है, 25 करोड़ की लागत से बूंदी में सिंथेटिक ट्रैक बना। कोटा में हमारे अजीज कोच साहब कहते थे कि कोटा में सिंथेटिक ट्रैक कब बनेगा, बिना सिंथेटिक ट्रैक के एथलेटिक कोई प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। लगातार प्रयास करने के बाद कोटा में नहीं बूंदी के अंदर भी 40 किलोमीटर इलाके के अंदर 2 सिंथेटिक बने।
मुझे वहां के लोगों ने कहा कि 40 किलोमीटर इलाके में देश में कहीं भी दो सिंथेटिक ट्रैक नहीं है। मैंने कहा इलाका किसका है? तो सिंथेटिक ट्रैक भी बनना चाहिए। दो सिंथेटिक ट्रैक बने बूंदी के अंदर 75 साल में। सिंथेटिक ट्रैक नहीं, स्विमिंग पूल नहीं, इंडोर स्टेडियम नहीं, बूंदी में स्विमिंग पूल भी बन रहा है। सिंथेटिक ट्रैक का लोकार्पण हो चुका है, मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुका है और छोटा ऑडिटोरियम बन चुका है। ये सारी गतिविधियां 50 करोड़ की लागत से बन रही है। इसी तरीके से यूथ हॉस्टल के अंदर बिना खिलाड़ी को ठहराएंगे कहां? ये प्रथम चरण जो इसका बना है वो 2.70 करोड़ का है। इसकी कुल स्वीकृति 7.5 करोड़ की है। अभी एक पार्ट बना है, दूसरा पार्ट और बनेगा और इसी के साथ मैंने अगला पार्ट 10 करोड़ बनाने के लिए और कह दिया है, ताकि आने वाले समय के अंदर यहां के खिलाड़ियों को, यहां के युवाओं को ठहरने की, जो हमारे नेहरू या केंद्र के अधिकारी ने कहा कि एक बच्चा जब आता है तो होटल में ठहरे तो 1,000 रुपया किराया लगता है, 1,500 रुपया किराया लगता है। यहां पर जब ठहरेगा तो सुरक्षित भी होगा और कम खर्चे के अंदर उसके मन विचारों पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि मैं मेरे यूथ हॉस्टल में ठहरा हूं। हम भी दिल्ली के अंदर और जयपुर के अंदर यूथ हॉस्टल में ठहरते थे, डॉर्मेट्री में ठहरते थे और एक साथ जब 10-15 लोग ठहरते थे तो अच्छा भी लगता था। यहां भी इसी तरीके से डॉर्मेट्री बनी है। जब खिलाड़ी लोग एक साथ ठहरेंगे, रात को एक साथ गुजारेंगे, कुछ बातें होगी, कुछ अनौपचारिक होगी, कुछ औपचारिक होगी, आपस में एक दूसरे की जिंदगी को समझेंगे और उससे प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा से जो थोड़ा बहुत कमजोर खिलाड़ी होता है वह भी उत्साहित होकर फिर मेडल जीतने की तैयारी करता है। और मेरे सामने भी बता देते जी साहब कि कई खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं और आने वाले समय के अंदर कोटा बूंदी का खिलाड़ी नेशनल गेम होंगे या एशियाड होगा या ओलंपिक होगा, हर गेम के अंदर मेडल जीतेगा। इतनी खेल सुविधाओं का विस्तार हम करने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा एक आपसे एक आग्रह है, सब खिलाड़ियों से एक आग्रह है कि अपनी दिनचर्या के अंदर किसी भी उम्र के अंदर 1 से 2 घंटे जीवन के अंदर किसी न किसी खेल के अंदर अपने जीवन को लगा कर ही रखना चाहिए। जो प्रारंभिक जीवन से ही खेल के प्रति इतना लगान रहेगा, आकर्षण रहेगा, तो 75 साल से लेकर 95 साल की उम्र तक, मैं अभी दिल्ली के अंदर एक 95 साल की उम्र की महिलाओं को सम्मानित करके आया जो दौड़ने में सबसे मेडल प्राप्त किए और उसके हौसले इतने ही थे जितने नौजवान खिलाड़ी के थे। तो मैं भी ये देखना चाहता हूं कि कोटा के अंदर हर व्यक्ति, हर गेम का यहां पर कॉम्प्लेक्स है, और कमी होगी तो और करेंगे, लेकिन हर एक शहर में मैं गया जहां पर 6:30 बजे मुझे वहां पर लोग खेलते ही खेलते मिले सब। मैं भी मेरे शहर में ऐसे ही चाहता हूं कि जब 5:30 बजे 6 बजे से पूरा शहर की जनता, कोई श्रीनाथपुरम में, कोई मल्टीपर्पज में, कोई नयापुरा के अंदर, कोई अलग अलग, कोई कुनाड़ी के अंदर, अलग अलग इलाकों के अंदर खेल के मैदान में प्रफुल्लित होकर, स्वस्थ होकर, तन मन स्वस्थ को रखने के लिए खेल के मैदान में आए, ये हमारी कल्पना है और इस तरीके की माहौल को बनाने की आवश्यकता है, इस वातावरण को बनाने की आवश्यकता है। और इसके लिए जो भी खेल सुविधाओं की आवश्यकता होगी उन खेल सुविधाओं का विस्तार करेंगे, चरणबद्ध करेंगे और अगले 5 साल के अंदर
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे और खेल सुविधाओं का एक महत्वपूर्ण विश्व स्तरीय केंद्र कोटा को बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।